ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो यानी जो आज हम जिसको कवर करेंगे, आज हमारी इसकी पहली क्लास है एडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर पे बेसिकली हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं वेक्टर बेस्ड इमेजेस को। यानी फोटोशॉप पे हमने जो काम किया था वो रास्टर बेस्ड इमेजेस हम लोगों ने काम किया था, और ये वेक्टर बेस्ड इमेज है। वेक्टर बेस्ड की निशानी क्या होती है? पाथ बेस्ड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं आपके, और इसको जितना भी जूम इन कर देंगे पिक्सेलेट नहीं होते। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। तो नॉर्मली अगर हम इसके हवाले से बात करें यहाँ पर, तो आज हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे और इसमें आगे लेके चीजों को हम लोग देखेंगे और कुछ चीज बनाने की कोशिश भी करेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। मैं फिलहाल कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन करते ही यहाँ पर फाइल पे गया एंड देन कंट्रोल एन किया। यहाँ पर फाइल का नाम है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इमेज के नाम से मैंने इसे बनाया, और ये इसकी पूरी प्रोफाइल है। प्रिंट बनाना है, आपने वेब पे काम करना है, डिवाइस पे वीडियो फिल्म्स वगैरह में काम करना है, या आरजीबी यानी मीडिया साइट पे आपने काम करना है, या फ्लैश बिल्डर्स पे आपने काम करना है। मैंने कहा फिलहाल प्रिंट में क्या करके मैंने ओके कर दिया। बाकी तमाम ऑप्शंस हैं, कौन सा साइज आपको चाहिए, लीगल साइज, टेप्लॉइड साइज, ये सारे साइजेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट को चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें ओपन कर दिया। अगर वेब कहता तो वेब के हवाले से ये सारी चीजें ओपन कर देता। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे और इसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर इसके बेसिक टूल की, चलें मैंने फिलहाल यहाँ पर एक लाइन ली, एक लाइन से मैं स्टार्ट करूँगा अपनी बात को। एक लाइन मैंने इधर क्या बोलते हैं ड्रॉ करने की कोशिश की। अब अगर मैं इस पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ मैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, यानी 0, 45, 90 और इस तरह से एंगल को ये टच करेगा। और जब मैं शिफ्ट को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, मैं अभी किसी भी बटन मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, तो ये अपनी मर्जी से जिस तरह भी इसको चाहें इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर उसके ऊपर ऑप्शंस वगैरह देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो इससे रेलिवेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज। मैं इसको अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर करना चाहूँ तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये ग्रीन कलर का हो चुका होगा, जिसको मुझे जूम इन करने से मुझे पता चलेगा। फिलहाल मैंने इसको बहुत ही जूम इन कर दिया, ये देखिए पिक्सेलेट नहीं हुआ। ये अभी अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर 6400% टाइम्स ये बड़ा हो चुका है, और जबकि ये बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं हुआ। कंट्रोल माइनस करता हूं और इसके बाद इसमें मैं और चीजों पे खेलने की कोशिश करता हूं। इसमें अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं और इसी के अंदर अगर मैं चीजों को देखना चाहूं, मैं इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहूं तो थिकनेस भी बढ़ा सकता हूं मैं, और अगर मैं थिकनेस बढ़ाता हूं तो इसके अंदर स्ट्रोक है। इसमें अगर राउंड शेप करना चाहूं तो देखिए आप एच पे इसके देखेंगे राउंड शेप हो जाएगा, और अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से अगर इसको मैं मिडिल पे रखना चाहूं इसके पॉइंट्स को, या फिर इसको मैं एच पे रखना चाहूं तो रख सकता हूं मैं। बाकी दूसरी चीजें जो आपको नजर आ रही है उसका ताल्लुक स्क्वायर से है, जो हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। इसी में ही अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं ये लाइन मैंने वैसे ड्रॉ की हुई है, अगर डैश लाइन लगाना चाहूं तो यहां पर अपनी मर्जी से डैश लाइन गैप देना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पॉइंट्स पे देना चाहता हूँ, पीटी 5 पॉइंट्स पे देना चाहता हूँ मैं, तो गैप उसी हिसाब से वहां पर गैप आना शुरू हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्ट्रोक से खेलना चाहूँ और अगर मैं इसमें मजीद कोई एरो प्रेस करना चाहूँ, एरो को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, इसकी वजह यह है कि मुझे एरो पे ही कुछ चीजें मुझे काम करनी है। मैं फिलहाल इसको क्लिक करता हूँ मैं, अब यहां से मैं इसको मैं डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक लाइन प्रेस कर रहा हूं और इसके मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं। अब यहां से मैं डैश लाइन लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, नंबर वन। अगर मैं इसके साथ साथ डैश लाइन और गैप कुछ होता है ना, बाजू का पहला स्पेस, पहला डैश ज्यादा हो फिर स्पेस कम हो फिर थोड़ा सा ज्यादा आपका डैश हो, कुछ अपने हिसाब से इसका पैटर्न बनाना हो तो इसमें पैटर्न बना सकते। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर आपको डिफरेंट एरो से आपने ड्रॉ करनी है, जिसकी वजह से मैं दूसरे पेज पे आया हूं, यहां से आपको एरो इस तरह ड्रॉ करनी है, या फिर यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह भी आपको चाहिए आप उस तरह से ऑप्शंस को ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसमें शेप्स मौजूद हैं एरोस के, ये एक तरफ का है, ये दूसरी तरफ का है। अगर सेकेंड दूसरी तरफ अगर आपको ये चीज चाहिए तो इस तरह का डिफरेंट एरोस चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर स्केलिंग को बढ़ाना हो तो स्केलिंग को बढ़ा सकते हैं, यानी
जो आपने शेप बनाया उसकी स्केलिंग की बात करो, और ये दूसरी तरफ की स्केलिंग है। अगर इसके स्केलिंग को कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ से इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट शेप्स, ये देखिए यहाँ पर इसको दो बहुत डिफरेंट लुक का आ रहा है। अगर मैं इसको एक नई जगह पे लेके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो कि यहाँ से मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसके मैं शेप को बढ़ाता हूँ मैं, और यहाँ से यूनिफॉर्म की जगह पे जो कि यहाँ मौजूद भी है, इस जगह भी मौजूद है, ये देखिएगा बहुत अच्छा लुक दे रही है। एक आपको इस तरह का लुक दे रहा है कि आपके दोनों तरफ जो इसके जो एज हैं बहुत ज्यादा है, इसके थिन है। और या फिर इसको डिफरेंट शेड्स का देना हो, या फिर इसको ये शेड देना हो, यानी नॉर्मली आप जिस तरह इसको अप्लाई करवाना चाहें इसको अप्लाई करवा सकते हैं। ये सारे शेड्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बेसिक कलर्स हैं, यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंट इस तरह आप इसको अप्लाई करना चाहूँ, मैं इसके शेड्स को बढ़ाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 कर दिया, और इसके अलावा डिफरेंट अगर मैं इसमें इसमें चीज़ों को अप्लाई करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। और भी चीज़ों को देखेंगे। सवाल यह है कि क्या ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि मैं सिर्फ ये अप्लाई करूँ, चार चीज़ें अप्लाई करूँ? नहीं, इसकी पूरी पूरी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। साइट पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पूरी पूरी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस लाइब्रेरीज में ऑप्शंस एरोज भी हैं, बॉर्डर्स भी हैं। अगर मैं किसी एक फ्रेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स को अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पर अवेलेबल है। यानी एक लाइन आपने ड्रॉ की और उसके ऊपर डिफरेंट शेप्स, आप चाहे स्क्वायर शेप बनाए या रेक्टेंगल बनाए या लाइन ड्रॉ करें, या आप आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पेन टूल से आप काम करेंगे उसके अप्लाई करें, सब पे सेम चीज अप्लाई होगी। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फिर एक और नई जगह लेता हूँ मैं, और फिर इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की, बहुत आसान है ये। यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा थिक कर दूँ ताकि मुझे चीज नजर आना शुरू हो जाए। यहाँ पर बेसिक है, अब बेसिक्स पे जाके यहाँ पर अगर मैं इसके डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करना चाहता हूँ, वेक्टर हो गया फॉर एग्जाम्पल, चलें यहाँ पर डिफरेंट ब्रश हो गए, बॉर्डर्स हो गए, आर्टिस्टिक्स हो गए, आर्टिस्टिक्स इंक की तरफ में जाता हूँ मैं, ये सारे के सारे आर्टिस्टिक स्किन आर्टिस्टिक आपके इंक है सारे, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। स्पॉट्स पड़े होते हैं आपके आपके ड्राइंग के ऊपर, वो स्पॉट्स बनाना नॉर्मली हम समझते हैं बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस चीज को यहाँ से कंट्रोल करना और बनाना बहुत आसान है। आप जिस तरह बनाना चाहें आप बना सकते हैं माशाल्लाह। यानी ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, और इसकी पूरी पूरी लाइब्रेरीज मौजूद है। लाइब्रेरीज सीडीज में आती भी है, उसको आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। इसकी बाकायदा लोग इसकी सीडी परचेज करते हैं, 30 रुपीज में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसको इम्पोर्ट करके भी यहाँ पर उसको आप यूज कर सकते हैं आपको। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होंगे। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर जाता हूँ, तो सेव भी हो गया, ओपन भी हो गया, और यहाँ पर आप ऑप्शंस ब्रश ऑप्शंस पे जाके इसको वहां से इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। फिलहाल अदर लाइब्रेरीज पे जाके भी इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं आप। चला, कहने का मकसद ये है कि लाइन से हमने काफी कुछ हमने समझने की कोशिश की। अब इसमें एक और चीज, एक और एंगल से देखते हैं इस लाइन के अंदर, क्योंकि लाइन एक बहुत इसी के बिहाफ पे सारे टॉपिक चलते हैं हमारे। हम एक टॉपिक सीखेंगे, बहुत सारे टॉपिक इसी के बिहाफ पे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यानी मैं इसका साइज अगर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 12 कर दिया। अब ये तो था हमारे सामने एरो है, सिंपल एरो। यानी मैं एक लाइन में जो ऑप्शन सिखा रहा हूं, इस एक ऑप्शन यानी एक लाइन के थ्रू जितने ऑप्शन मैंने सिखाए, ये ऑप्शन हर जगह अप्लाई होंगे, तो एक ही में मेरे बहुत सारे ऑप्शन कवर हो जाएंगे। इसे आपको आगे करके हिंट देनी होगी, रेफरेंस देना होगा आपको, आपको सारी चीज समझ में आना शुरू होगी इंशाल्लाह। इसमें इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या है इसको समझते हैं। बाहर क्लिक करना जरूरी है, उसके बाद हम जिस जगह जाएंगे हम वहां से इसके पाथ को चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू मैं इसकी किसी लोकेशंस को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा, होता है ना बासकात, आपने एक लाइन ड्रॉ की है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है लाइन, उसको थोड़ी सी छोटा करना है, तो यहां से इसको हम लोग इसके हिसाब से यहां पर इसको छोटा कर सकते हैं। जिस तरह हम इसको छोटा करना है, आप जो भी काम करना चाहें इस पर कर सकते हैं। अरे ना, इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ों से खेलते हैं यहाँ पर, और चीज़ों से डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर एक और चीज़ आती है सी में ही, एक ऑप्शन है आर्क का ऑप्शन है। मैंने जस्ट आर्क बनाया, इसके अंदर मैं अभी डाउनवर्ड एरो की और अब मैं अपवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ। ये अपवर्ड एरो की है, अब डाउनवर्ड एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये आर्क है, जिस तरह का आर्क आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको आपने देना हो, यहाँ से इसको दे सकते हैं।
ऑप्शन सारे वही हैं, आप चाहें इसको, आप चाहे ये ऑप्शन अवेलेबल इसको यूज करें, चाहे ये, या इसके अंदर पूरी लाइब्रेरीज, या जो ऑप्शन मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे ऑप्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्क है, अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंगल से इसको यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्पायरल भी है, ये बहुत यूज होता है नो डाउट, ये आगे चल के देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्लावर बनाने में, कोई पैटर्न, कोई डिजाइन, मैं आगे चल के इंशाल्लाह इसको डिजाइन बनाना सिखाऊंगा पूरा, तो डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिलहाल मैंने अभी इसके अंदर मैं अपवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूं, अब मैं डाउनवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूं मैं, और इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो इसमें मैंने अभी जिसको प्रेस किया कंट्रोल है, कंट्रोल से चाहूं मैं इसको ड्रैग एंड देन इसके शेप में थोड़ी चेंजेस लेकर आ सकता हूं मैं, और ऑल्टर से कुछ नहीं होता, हाँ कंट्रोल से होता है नंबर वन, और अपवर्ड एरो की एंड डाउनवर्ड एरो की से होता है, इसमें जो आप शेप देना चाहें उसको शेप दे सकते हैं। इसके नॉर्मली पैटर्न बनते हैं, पैटर्न किस तरह से बनेगा, मैं इसको कॉपी करता हूं मैं कंट्रोल सी, अब मैं इसमें कंट्रोल बी, अगर और जरा समझने की कोशिश कीजिए, आगे चल के अब मैं इसको दोबारा रिपीट भी करूंगा मैं, अगर मैं कंट्रोल बी करता हूं तो कहीं भी इसको पेस्ट कर देगा, मैं चाहता हूं नहीं कहीं भी इसको पेस्ट ना करे, इसी के ऊपर पेस्ट कर दे, ऊपर या नीचे दो बार, अगर आप इसके ऊपर पेस्ट करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल एफ करेंगे, और अगर नीचे करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल बी करेंगे, इसकी शॉर्टकट की आपको यहां से मिल जाएगी, कंट्रोल एफ फ्रंट, कंट्रोल बी बैक। मैं फिलहाल इसके, मैं इसके फ्रंट पे चाहता हूं, ये फ्रंट पे हो जाए, तो कंट्रोल एफ किया, अब देखिएगा इसके ऊपर ये देखें ये चीज पेस्ट हो चुकी है, इसके ऊपर हो चुकी है पेस्ट, इसके ऊपर पेस्ट हो चुकी है। अब मैं करूंगा क्या, इसी चीज को राइट क्लिक करूंगा मैं, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, जैसे रिफ्लेक्ट करूंगा मैं ये पूछेगा किस तरह आपको रिफ्लेक्ट करना है, मैंने कहा इसको रिफ्लेक्ट करना माइनस करके इसको ओके कर दूंगा मैं। यहां पर फिलहाल अगर देखा जाए यहां पर एक डिजाइन बन गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, इत्तेफाक की बात है ये डिजाइन बन गया, ये हेड लग रहा है और उसके ऊपर थोड़ी आई वाई लगा दूं तो और भी अच्छा लगेगा, एक डिजाइन बन गया जो कि शायद एक यूनिक स्टाइल है। फिलहाल मैंने इसको क्या किया, इस पर क्लिक किया और इसको आगे की तरफ मैंने मूव करवा दिया, अब यहां पर भी रखूंगा तो एक अलग डिजाइन बन गया, देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ये एक और डिजाइन बन गया, देखिए डिजाइन बनते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, ये एक और डिजाइन बन गया। नो डाउट किसी भी लोगो में मैं इस चीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिजाइन ऐसे ही बनते हैं, जो लोगोज वगैरह बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ये भी एक डिजाइन बन गया, मैं इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ये भी एक डिजाइन बन गया, मैं इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ तो ये भी एक डिजाइन बन गया। लो भाई जबरदस्त काम हो गया, ये हमने मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिजाइन, मैं थोड़ा सा इसको अब चले इसमें और डिजाइन, इसी में देखिए एक चीज बनाने के बाद मैंने 6 डिजाइन लगा दिए, 4 डिजाइन मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, और डिजाइन को देखते हम लोग, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल, पहले कंट्रोल जी करता हूँ, ये ग्रुप हो गया, यानी कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और इसी तरह अनग्रुप भी करते हैं कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप। मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ किया, इसी के ऊपर पेस्ट कर दे, और इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाऊं, ये भी एक डिजाइन है, चले अच्छा लग रहा है, मैं फिलहाल कंट्रोल जी कर रहा हूं, कंट्रोल अल्टर कंट्रोल जी, और इसलिए कर रहा हूं कि मुझे फ्लिप करना है इसको, राइट क्लिक करूंगा मैं ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट करूंगा मैं 180 180, ये देखिए एक डिजाइन बन गया आपके सामने। इसके बाद थोड़ा सा आगे ये एक दूसरा डिजाइन बन गया, ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हम बना सकते हैं, देखिए कितना जबरदस्त, ये भी डिजाइन देखा जाए ये भी डिजाइन बन गया, इसका पैटर्न बना सकते हैं, ये पूरा एक डिजाइन बन गया, ये पूरा एक डिजाइन बन गया, आप देखा जाए ये पूरा एक डिजाइन हमने बना लिया, इसको हम यूज करना चाहें डिफरेंट एंगल से यूज कर सकते हैं। मैंने छोटी सी चीज हमने पकड़ ली, हमने इसका डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, और ये पैटर्न आपके आगे देखा जाए कपड़ों में भी यूज होते हैं, ये पैटर्न दरवाजों पे भी यूज होते हैं, ये पैटर्न अगर देखा जाए मुख्तलिफ जगहों पे हम इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस पर कलर करना चाहूँ तो कलर भी हम लोग कर सकते हैं, कलर से भी हम लोग खेल सकते हैं, वो हम आगे चल के इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, हाँ अगर देखा जाए, अगर इसके लेयर्स की कंट्रोल F7 की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर लेयर्स आ गई, लेयर्स इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, लेयर देखिए उसी तरह से काम कर रही है, ये लेयर इसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है, और इसके अंदर लेयर इसी तरह से काम कर रही है, बस एक ग्रुप हो गया है, एक ग्रुप हो गया है, एक लेयर नहीं हुई है। ठीक है, हाँ इन चारों को अगर मैं एक ग्रुप करना चाहूं मैं तो मैं कंट्रोल जी कर दूंगा तो एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप में आ गया, लेकिन है सब चीजें अलग अलग। ग्रुप का मतलब ये जैसे हम लेयर्स मर्ज
नहीं, हम फोल्डर किस तरह बनाते हैं, एक फोल्डर में हम चीजों को डाल देते हैं, फोल्डर के अंदर चीजों को डाल देते हैं। तो वो एक फोल्डर, यानी मिसाल के तौर पे मैं इस क्लास के फोल्डर अलग बनाता हूँ, अपनी क्लास का फोल्डर अलग बनाता हूँ, जो यहाँ काम करूंगा वो यहाँ पे चीजों अपनाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप का कॉन्सेप्ट यही होता है इसमें जनाब। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, सवाल आपके आंसर मिल गए ठीक है। अब यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैं देखिए, मैंने सिर्फ एक छोटा सा ऑप्शन लिया, उसे खेलना सिखाया मैंने। अब इसी तरह से अगर मैं इसको लेता हूं, मैं रेक्टेंगल ग्रिड्स को, ये बहुत काम आता है हमारे, यानी मैंने बनाया, शिफ्ट प्रेस करके बना रहा हूं मैं, ये एक ग्राफ टाइप की चीज होती है। अब मैं देखा अपवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूं मैं, अपवर्ड एरो की प्रेस करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ रॉस बढ़ गए, डाउनवर्ड एरो की करने से नंबर ऑफ रॉस कम हो गए ठीक है। अब लेफ्ट एरो की एंड देन राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं मैं, राइट से कम होगा, लेफ्ट से ज्यादा, ये आपके सामने नजर आएगा। इसमें एक और चीज होती है, यहां इसमें एक और चीज होती है कि वो शायद इसको ऑप्शन मुझे अभी देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपको ये जितने भी आपके इक्वल नजर आ रहे हैं, मैं कुछ बटन प्रेस करूं, शायद बी है, कौन सा ऑप्शन है मुझे देखना पड़ेगा, मैं इसको देख के बता दूंगा, कि जिसमें आपके तमाम जो एक्यूरेट बॉक्सेस हैं वो नीचे की तरफ, यानी ऊपर से आपका गैप ज्यादा हो जाएगा, नीचे से गैप कम होगा। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपके पास ग्रिड आगे से बड़े नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ग्रिड आपको छोटे नजर आते हैं, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है। आगे इंशाल्लाह मैं इसको बता दूंगा, शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की फिलहाल मुझे देखनी पड़ेगी। इसी तरह से इसके अंदर और भी चीजें इस्तेमाल होती है, पोलर, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ये आपने इस्तेमाल किया, इसको आप बढ़ाना चाहें, इसके सर्कल को कम करना चाहें, या फिर इसके होता है ना ट्रैक और सेक्टर्स, ये वही वाली चीज है, सेक्टर्स इंक्रीज कर दिए आप इसको चाहें तो, आप इसको पैटर्न होता है ना, बाद सकात आपने कोई चीज डिजाइन करनी होती है। ये फिलहाल इसके जो स्ट्रोक है, ये भी देखिए डिजाइन बन गया, बहुत अच्छा डिजाइन लग रही है इस वक्त, अगर इस चीज डिजाइन को देखा जाए, ये डिजाइन इस वक्त बहुत अच्छा लग रही है। मैं इसके फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं इसके जो 12 मैंने रखा है इसके मैं साइज को कम करके 5 कर देता हूँ, इस वक्त भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और नो डाउट ये अगर मैं इसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करना चाहूँ, ऐसा लोगों का बैकग्राउंड, किसी लोगो बनाया उसका नाम लिया मैंने और उसका बैकग्राउंड में यूज करना चाहूँ, उसको यूज कर सकता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा काम आता है ऑप्शन, और इसको हम यूज करके हम लोग बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं इसमें। इसके अलावा और चीजें क्या हैं, और चीजों को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अभी हम सिर्फ एक ऑप्शंस पे थे, अभी हम दूसरे ऑप्शंस पे आते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे बनाया फॉर एग्जांपल स्क्वायर बनाया, एडोब सीसी के अंदर ये ऑप्शन एक बहुत अच्छा है, बीच में डॉट लगे हुए होते हैं, उसको जब ब्लैक करेंगे तो इसके एज जो है शार्प नजर आ रहे हैं, शार्प नजर नहीं आएंगे, वो राउंड हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा, डबल क्लिक करके यहाँ से, डबल क्लिक नहीं, यहां से ऐसी हो जाएगा, यहां से मैंने बनाया, यहां से हम लोग खेल सकते हैं। अगर मैं इसको कलर इंसर्ट करना चाहूं तो कलर इंसर्ट कर सकता हूं मैं, मैं इसके बॉर्डर से अगर खेलना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं इसके बॉर्डर को ब्राउन रखना चाहूं या फिर रेड, थोड़ा सा एक डिफरेंट कर दिया, या फिर मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डार्क करना चाहूं, या फिर मैं इसको अगर थोड़ा सा शेड, अब शेप जरा देखिएगा, एक थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है, यानी अगर मैं इसको चार कोने बना देता हूं, ऐसा विंडोज का पहले लोगो एक जमाने में चला था, उस पर ग्रेडियंट चला के उन्होंने साइड से इस तरह से खेला था। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट लुक देना चाहूँ, इस तरह देना चाहूँ, या फिर मैं डिफरेंट शेड इस तरह से सिंपल देना चाहूँ, या फिर मैं कुछ इस तरह से लुक देना चाहूँ, मैं तो लुक दे सकता हूँ मैं यहाँ से। इसके अलावा कोई डिफरेंट स्टाइल्स, ये स्टाइल फिलहाल अप्लाई हो गया लेकिन नजर नहीं आ रहा हमें, ये अप्लाई हो गया लेकिन नजर नहीं आ रहा। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स में यहाँ से देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, बॉर्डर्स हो गए, बॉर्डर्स में अगर डैश देना चाहूँ, वॉट एवर फ्रेम देना चाहूँ, मैं ज्योमेट्रिक्स देना चाहूँ तो ज्योमेट्रिक में अप्लाई करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक अप्लाई हो गया। या फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स यहाँ से अगर हम लेना चाहें तो हम समझते हैं शायद बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई इतना मुश्किल है नहीं आपकी नज़रों के सामने, कितना आसानी के साथ हमने इसको उसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यानी खेलना वापूंगा काम है कि यहाँ से अगर मैं इसमें ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन ब्रश पे जाता हूँ, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन से खेल के मैं इसको इसमें अप्लाई कर सकता हूँ एज अ बॉर्डर। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से स्टाइल हो गया, इसको अप्लाई करना चाहूं, यहां पर अगर मैं डिफरेंट शेड्स अप्लाई करना चाहूं, मैं इसके भी अगर देखा जाए पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। मैं अगर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, अगर इसको देखेंगे तो नो डाउट आपके बहुत ज्यादा काम आएगी है।
यानी यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल चले इमेज इफेक्ट पे जाना चाह रहा हूं मैं, तो इमेज इफेक्ट की पूरी एक लाइब्रेरी खुल गई यहां पर, यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है और जो भी इमेज इफेक्ट मैं अप्लाई करना चाहूं तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। देखिएगा बहुत जबरदस्त लुक आ रहा है इसमें। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसी की ही मैं स्टाइल पे जाता हूं मैं, और स्टाइल पे जाने के बाद यहां पर मैं अगर फॉर एग्जांपल मिसाल है चले यहां से लेता बटन, बटन मुझे बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसी के हिसाब से मुझे बटन बना के दे देगा। देखिए बटन का पूरा लुक दिया है इसने, ये बैकग्राउंड है इसका पूरा, इसने लुक बना के आपको इसने आपके सामने रखा है। देखिएगा जो भी आप इसमें इसमें अप्लाई करना चाहें तो वी कैन डू दैट, हम ये काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हैं, ये सब चीज़ें अगर हम देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो पॉसिबल हैं हमारे पास वो सब इसके स्टाइल से पॉसिबल है। स्टाइल से इसकी लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ से खेलने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कुछ चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, अब इसमें आप चाहते ये हैं। अब इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो भी आपने अंदर पैटर्न अप्लाई किया है वो उसका बिल्ट इन था, यानी अगर ये देखा जाए तो ये इसका अपना बिल्ट इन था कलर्स, लेकिन आपको ये कलर पसंद नहीं आया, आपने बोला इस कलर में थोड़ी चेंजेस लेकर आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है इसके हम कलर पे जाएंगे एंड देन यहाँ से कोई डिफरेंट कलर आप अप्लाई करना चाहें, इस पर आप कलर पैटर्न चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको पैटर्न, यहाँ से इसका पैटर्न चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको आप ग्रीन कर दें, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर भी अप्लाई होती हुई नजर आएगी, हल्का सा इस पर लुक इसमें थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ नजर, क्योंकि बार बार ये पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर मुझे अपने इसके रेडीमेड को यूज़ करना है तो रेडीमेड को भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी एक खास कलर्स को चूज करना हो उसको, उसके कलर्स को चेंज करना, उसको पूरे पूरे पैटर्न को चेंज करना हो तो हम पूरे पूरे पैटर्न को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू एंड सैचुरेशन, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो तो यहाँ से हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी में शेप बनाता हूँ, मैं शेप बनाने के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है जो कि आगे चल के हम देख लेंगे कि इसको हम साइज को छोटा या बड़ा करना हो या इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी हो या फिर इसके एंगल को चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल 60 एंगल पे इसको कन्वर्ट कर दिया या फिर हमें स्क्यू करना हो 10 एंगल पे या फिर हमें स्क्यू करना हो 45 एंगल पे, तो ऐसा लगता है सर एक स्क्यू होने की वजह से क्या लग रहा है, जैसे पाइप है जिस तरह की पाइप टाइप की चीज़ लग रही है, इस पर शेड ऊपर से पड़ रहा है और एक लुक आ रहा है आपके सामने ये ना। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। राउंड शेप है, राउंड देना चाहें तो राउंड भी दे सकते हैं इसमें हम, पहले ये अब इस अब जो ऑप्शन है राउंड का खत्म कर दिया गया है सीसी में, इसमें इसी के अंदर ही राउंड दे दिया गया है। एलिप्स है, अच्छा इसमें अगर मुझे शिफ्ट प्रेस करके बनाऊँ तो एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा और अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप आपको दे देगा इसमें। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर पॉलीगॉन की तरफ, अच्छा एलिप्स की तरफ जाने तो सर्कल शिफ्ट प्रेस करूंगा तो सर्कल, वरना ये एलिप्स बन जाएगा, शिफ्ट अगर मैं प्रेस नहीं करूंगा तो एलिप्स बन जाएगा। सारे ऑप्शन वैसे ही हैं जिस तरह मैंने आपको पहले पढ़ाया, वो सारी चीज़ें आप इसमें कवर हो चुकी हैं हमारी। इसके अलावा यहाँ से मैं अगर एलिप्स के बाद यहाँ से पॉलीगॉन की तरफ जाऊँ तो देखिएगा यहाँ पर पॉलीगॉन बना हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ बीच में बनाता हूँ मैं पॉलीगॉन, देखिए हमारे सामने ये पॉलीगॉन बना हुआ है। अब मैं करता क्या हूँ, मैं डाउनवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ट्राइंगल बन गया, अपवर्ड एरो की करने से यहाँ पर स्क्वायर बन गया और पेंटागॉन और हेक्सागॉन और इसी तरह से जब तक ये सर्कल नहीं बन जाता ये आपको शेप बनाता रहेगा। तो यहाँ से आप कोई भी शेप बनाना चाहें तो उस शेप को आप बना सकते हैं अपवर्ड की एंड डाउनवर्ड एरो की से, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अगर हम इस चीज़ से खेलें तो हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है किस तरह से चीज़ बनती है आपके जना। इसके बाद यहाँ से अब मैं इसी में ही आगे बढ़ूंगा मैं, और स्टार्स हैं, अब स्टार्स में ज़रा देखिए गौर से, वही अपवर्ड एरो की इसकी टीप, हम स्टार्स बनाना चाहें तो इसकी टीप को हम इंक्रीज कर सकते हैं अपवर्ड एरो की से, डाउनवर्ड एरो की से इसके देखिए ट्राइंगल बना, डाउनवर्ड एरो की से ये ट्राइंगल बना और इसके एक एक करके हम लोग इसमें स्टार्स को बना सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो की से। और इसी तरह से अगर मैं इसमें इंक्रीज करना चाहूँ डिक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसको रिलीज और इंक्रीज कर सकता हूँ मैं, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मली बहुत सारी जगह पर यूज होता है, फ्लैट्स है, फ्लैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं, ये बेसिकली होता क्या है कि आपको एक शेड्स आपको देना हो, कुछ सर्कल बनाना हो, उसके लिए नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आगे चल के हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ब्रश का, जो कि बहुत काम का टूल है,
ब्रश हमारे बहुत काम आता है। यानी अगर मुझे कोई कोई शेड बनाना हो, फिलहाल इस पे पैटर्न अप्लाई हो चुका है, मैं पैटर्न को हटा के अगर मैं तो सिंपल कर दूं, सिंपल कर दूं, मैं इसको डिलीट करता हूं, पैटर्न इस पे अप्लाई हो चुका है, दैट्स व्हाई। यहां से जाके मैं इसको पहले प्लेन कर देता हूं, फिर एक एक करके मैं सारी चीज अप्लाई कर देता हूं। अब मैं जब ब्रश अप्लाई करूंगा मैं, तो ये सिंपल ब्रश हमारे पास सामने, इट इज डिफॉल्ट पे ना चला गया। अच्छा चलें इसको देख लेंगे। इसको फिलहाल अगर मैं इसको क्लिक करता हूं मैं, ये ब्रश आपके सामने आ रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं शेड को चेंज करना चाहूं, मैं कोई डिफरेंट शेड करना चाहूं, तो डिफरेंट शेड में कर सकता हूं मैं, कोई डिफरेंट अप्लाई करना चाहूं शेड्स को मैं अप्लाई कर सकता हूं मैं। ये डिफरेंट शेड को अप्लाई कर सकता हूं मैं। अगर इसी को क्लिक करके मैं इसी का पैटर्न को चेंज करना चाहूं, तो बाद में इसको चेंज कर सकता हूं मैं, ये बाद में इसके हिसाब से कन्वर्ट हो गया। यानी ये ब्रश बहुत ज्यादा काम आता है हमारे। किस तरह से, अगर मुझे कोई नॉर्मली कोई डिजाइन बनाना हो, कुछ एक होता ना, मैंने आपको शायद बताया था कि हम लोग नॉर्मली माउस से बनाते हैं चीजों को, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल पैड आ जाए और उससे आपके स्टाइलस आ जाए आपके हाथ में और उससे आप चीजें डिजाइन करना शुरू कर दें, तो ये वही चीज है कि अगर आपको कोई कार्टूनिक शेप देना है आपने, मिसाल के तौर पर मैं यहां से बनाता हूँ दिस वन, ये भी मैं पेन टूल से भी सिखाऊंगा, मैं पेन टूल से भी सिखाऊंगा मैं, ये शाखें हैं पेड़ की, ये पेन टूल से भी सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और अगर मैं इसका कलर इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या कलर इसमें इंसर्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल से पूरा हाँ फिक्स तो है इसमें। मैं इसका कलर इंसर्ट करना चाहूँ ब्राउन, तो ब्राउन कलर इसमें हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई फ्री हैंड से ही मैं अगर अगर इस पर अगर मैं कोई फॉर एग्जाम्पल ग्रीन शेड देना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक नहीं किया था सॉरी, और इस पर मैं ग्रीन शेड देना चाहता हूँ, मैं इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखना चाहता हूँ और इसका साइज का थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहूँ मैं, तो वी कैन डू दैट, हम लोग कर सकते हैं। एक शेड आपका बन गया, पेड़ बन गया, कुछ इस तरह की कोई चीज़ आपकी ड्राइंग बनानी हो, आपकी कोई आर्टिस्टिक माइंड हो, जितने भी लोग ब्रश से वो लोग खेलते हैं जिनका आर्टिस्टिक माइंड होता है, और पेन टूल से बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो कि जिसका आर्टिस्टिक माइंड होता है जिन लोगों का, और अगर आपका डिजिटल पैड आ जाए स्टाइलस आपके हाथ में आ जाए तो और भी खूबसूरत हो जाता है। यानी हम यहाँ से सिर्फ यही नहीं कि हमने कोई शेड बनाया, हमने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये शेड बना के मैं अगर इसके कोई पॉइंटर्स को चेंज करना चाहूँ, मैं आर्टिस्टिक तरीके से मैं जब आर्टिस्टिक तरीके से मैं डिज़ाइन बनाना चाहूँ मैं, इसी के अंदर मैं डबल क्लिक, ओके यहाँ पर ही मैं अगर डबल क्लिक करूँ मैं, तो ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसी के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं इसमें खेलना चाहूँ फॉर एग्जांपल कलर, मैं इसको मुख्तलिफ यहाँ से पैटर्न है, मैं इसको स्केलिंग प्रोपोर्शन रेशो से खेलना चाहूँ मैं, यहाँ से सॉरी इसको के करके मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन को अप्लाई टू स्ट्रोक कर दूँ मैं, ये देखो उसी पर अप्लाई हो गया। कुछ इस तरह से चीज़ आपने इसको अप्लाई करना चाहें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपने ये लिया, एक डिज़ाइन बन गया आपके सामने, एक मिनट मैं नई नई जगह पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर जाके डिफरेंट मेरे लेता हूँ मैं, चले आर्टिस्टिक ले लेता हूँ मैं ब्रश के, मैं इसको बंद करता हूँ। आर्टिस्टिक ब्रश के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि अच्छे ऑप्शंस हैं इसमें, यस फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए उसके हिसाब से कोई भी डिजाइन बनाना चाहे तो बना सकते हैं आर्टिस्टिक। इसका इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसको किस तरीके से आप इस काम ऑप्शंस को आप अवेल करते हैं। इसी तरह से इसमें ऑप्शन है पेंसिल का, पेंसिल से कोई चीज बनाना चाहे पेंसिल से बना सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे स्मूथनेस करना है, मैं इसको पहले मैं इसको पहले पेंसिल है, मैं इसके थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, मैं थिकनेस को मैं और बढ़ा देता हूँ, और इसके बाद इसके अंदर स्मूथनेस करना है, ये स्मूथनेस के लिए काम आता है, ये आपको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए काम आता है। देखो आपने बनाया है लेकिन एज बहुत नजर आ रहा है, मैंने ऐसा बनाया है कि कोने बहुत ज्यादा नजर आना, एज के शार्ट बहुत ज्यादा हो गए, तो उसको खत्म करना हो तो उसको खत्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ से इस चीज़ को वो स्मूथ कर देगा बिल्कुल,
और जहाँ पर इसके कोने देखें बिल्कुल स्मूथ करता जा रहा है और इसके स्मूथनेस इस तरह से ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इसको मैं क्लिक करके मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल यहीं से मैं इसको चेंज करना चाहूँगा जो पहले बताना चाह रहा था मैं आपको, यहाँ से क्लिक करके देखिएगा इसके मैं शेप को मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन से होता है ये पॉसिबल, यानी इसके नॉर्मली मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ मैं, और इसको अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इसको चेंज किया और इसको मैं किसी पॉइंट से खेलना चाहूँ तो वी कैन डू दैट, हम लोग खेल सकते हैं। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये टूल भी। इसके अलावा पेंसिल है, पेंसिल के बाद इरेज करना हो, अगर मैंने कोई पेंसिल ली है पेंसिल से मैंने कोई ड्रॉ किया बीच में तो कोई इरेज करना हो मुझे इसी चीज़ को तो जस्ट मैं यहाँ से मैं इसको जब इरेज हो चुका है अब किस तरह पता चलेगा जब अलग हो चुका है ये पार्ट अलग हो चुका है बीच में से इरेज हो चुका है यानी वो चीज़ उसने उसका जो कनेक्शन था वहाँ से उसको ख़त्म कर दिया उसने। तो नॉर्मली अगर इस पर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं हम लोग। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक कोई मसला जनाब? अब हम एक सर्कल से कोई सी चीज़ को डिज़ाइन करते ताकि आज के टॉपिक में हमें एक कोई चीज़ आज हम एक से दो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और हर क्लास में कुछ ना कुछ डिज़ाइन जो हम पढ़ चुके होंगे उससे रेलिवेंट हम डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। मैं काम करता हूँ एक सर्कल से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ चीज़ों को और यहाँ से अगर मैं सर्कल लेता हूँ मैं एलिप्स लिया शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ले लिया मैंने ठीक है। इसी के अंदर मैं एक लोगो एक डिज़ाइन जो बना हुआ लोगो है जो यानी किसी कंपनी का पहने या किसी भी इदारे का आप खुद चीज़ को डिजाइन लिया ये ओपन सोर्स ओपन है कोई इसको बना सकता है अपने अपनी कंपनी के लिए। एक सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद देखिए यहाँ से इसका हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन आ रही है ग्रीन कलर की शो हो रही है आपके सामने, यहाँ पर शायद आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रही, अब शो हो रही होगी ये ग्रीन कलर की जो लाइन शो हो रही है ये सपोज ये बता रहा है आपको कि सेंट्राइज कौन सा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कौन सी है। इसी तरह से आपको ये हॉरिजॉन्टल में भी बताएगा आपको ये। तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ से मैंने इसको लिया और एक सर्कल बनाना शुरू किया, सॉरी कंट्रोल जी, बिल्कुल मैंने यहाँ पर सेंटर लिया जहाँ से ये आ रहे हैं यहाँ से एक सर्कल बनाना शुरू किया और हॉरिजॉन्टल पे जाके मैंने रोक दिया इसको, हॉरिजॉन्टल पे जाके मैंने इसको रोक दिया सर्कल ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे की तरफ एक सर्कल बनाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू किया और इस पर मैंने जाके रोक दिया जहाँ वो लाइन आके आपके सामने आ गई वहां पर मैंने जाके इसको रोक दिया। इसके बाद इन दोनों को मैं चाहूंगा ये सेंटर पे आ जाए, एक के ऊपर दूसरा आ जाए, कभी भी सेंटर पे लेकर आना हो सेलेक्ट किया। यहां पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो के हैं इसके अलाइनमेंट के, अलाइनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये इसको अलाइन करने के लिए काम आता है काफी, अगर मैं ऑप्शंस को साइड पे ले जाना चाहूं मैं या इस साइड पे लेके जाना चाहूं वॉट एवर वो लेकर आ सकता है। फिलहाल मुझे जहां पर मुझे काम करना है वो है मुझे सेंटर पे लेके जाना है इसको, इन दोनों को सेंटर पे लेके जाना है। तो नॉर्मली ये डिजाइन आपने देखा होगा ये डिजाइन आपके सामने सर्कल के अंदर डिफरेंट दो सर्कल आ गए जो कि इसके मेरे पर आ गए। इसी के अंदर अगर मैं एक और सर्कल लगाना चाहूं तो ये देखिए इसका मिड है यहां पर इसका सेंटर शो कर रहा है। यहां पर एक छोटी चीज बताना चाहूंगा मैं, ये मैंने इसे सेंटर पे लिया, ये सेंटर पे लिया शिफ्ट प्रेस करके बनाना शुरू किया, अब देखिए यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं चाह रहा हूं सेंटर पे शिफ्ट होके आ जाए, जैसे ऑर्डर प्रेस करूंगा मैं ये इसके अंदर आ गया, यानी जो सेंटर था इसका दोबारा देखिएगा ये लोग ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने इसके सेंटर पे रखा ये बिल्कुल देखिए डॉट्स का सेंटर बन गया, ये लिखा हुआ भी दिखा रहा है सेंटर, यहां से शिफ्ट प्रेस किया ताकि एग्जैक्ट सर्कल बने और मैं चाह रहा हूं कि ये जो सेंटर था इसका जो सेंटर पॉइंट है ना इस सर्कल का भी जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर के ऊपर आ जाए, तो जैसे ही मैं ऑल्टर प्रेस करूंगा वो इसके अंदर आ जाएगा और फिर उसके हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एफ कर दिया, कंट्रोल एफ किया और उसके बाद मैं इसको नीचे की तरफ ले गया, मैं चाहता नीचे भी सेम काम ऐसे ही कर लेता लेकिन मैंने फिलहाल इसको यहाँ रखा, मैंने फिलहाल मैंने इसको सर्कल लिया, इस सर्कल को मैंने क्लिक करके मैंने इसके हिसाब से सेंटर मैंने सेंटर सेट करने लगा, देखिए सेंटर सेट हो गया। मैं किस तरह से करूँ दोबारा देखिएगा, मैंने इस पर क्लिक किया, अब कह रहे इसके सेंटर पर मैं इसको सेंटर इसका सेंटर सेट करना चाह रहा हूँ, ये फॉर्म मुझे बता देगा इसके सेंटर में मौजूद मैं इसके सेंटर में मौजूद हूँ, ये रहा सेंटर के ऊपर इसका सेंटर, इसने मुझे बता दिया इसका सेंटर ये रहा जो कि डॉट टू डॉट नजर आएगा, तीन कलर का डॉट टू डॉट का मैच करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अब यहां पर एक ऑप्शन आता है
शेप बिल्डर्स के नाम से। ये ऑप्शन बहुत सारे हैं, यहां तक मैं पहुंचा नहीं था। शेप बिल्डर पे जाके देखिएगा, ये आपको शेप बिल्डर, मैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, मैं सेलेक्ट किया शेप बिल्डर पे, ये देखिएगा आपको डॉटेड शो कर रही है। देखिए इसका डॉटेड है ESP, इसका मतलब इसका ताल्लुक इससे नहीं है अभी फिलहाल, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर ये लीक होता है मिसाल के तौर पर, यहां से थोड़ा गैप होता तो ये इसके अंदर भी अंदर आ रहा होता है। फिलहाल ये शो कर रहा है इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये सारी चीजें आपको अलग अलग शो कर रही है। आपको करना कुछ नहीं है, मैं चाह रहा हूं इस वाले पार्ट को मिठा के मैं इस पर रखू है, जैसे ड्रैग करूंगा तो ये उसके साथ जाके मिल जाएगा। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, शायद सही तरह से कोई मसला कर रही है। ये करता है क्या है कि एक पात से दूसरे पात मिलाते हैं तो ये नॉर्मली शेड शायद फिलहाल उसमें वो शेड बना नहीं रहा। तो नॉर्मली इस शेड को भी देखा जाए तो ये शेड भी कुछ ना कुछ डिजाइन, आप इसको एज अ डिजाइन को यूज कर सकते हैं इसको। आप नॉर्मली इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी के अंदर ही मैं अगर मैं इसको डिफरेंट डिजाइन देना चाहूं, मैं ये पैटर्न देना चाहूं, मैं सो कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एफ करके मैं इसके नीचे की तरफ लेके जाना चाहता हूं, इसको एक और डिजाइन बना देना चाहता हूं, तो डिजाइन बना सकता हूं मैं इसको। यहां से मैं इसको लिया और इसके बाद यहां से जाके थोड़ा सा उसको एक और डिजाइन देना चाहूं तो मैं डिजाइन दे सकता हूं इसको। तो ये तौर पे अगर देखा जाए तो एक डिजाइन आपके सामने बनके आपके सामने आ गई है, ठीक है। इसमें और भी काम हो सकता था, फिलहाल वो चीज वो नहीं रही, कोई मसला नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी में ही मैं एक और डिजाइन बनाना चाहूंगा, एक छोटा सा बेयर बनाना चाहूंगा मैं, ठीक है। वो किस तरह से हम लोग पांडा टाइप की कोई चीज, पांडा बनाने की कोशिश करूंगा इसमें। इससे पांडा में अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, मैं शिफ्ट प्रेस किया, एक सर्कल बनाया हमने। अब सर्कल बनाया तो अगर बेयर को, अगर पांडा को देखा जाए तो उसका सर्कल गोल नहीं होता, थोड़ा सा बैंड भी होता है, यानी एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता कि आपने स्केल से इसका सर्कल बना दिया, ऐसा नहीं है। मैंने बाहर क्लिक किया हल्का सा, मैंने इसके पास पहले जाके हल्का सा इसका शेड, इसका फेस नीचे से दबा दिया। इस तरह का कोई मैंने शेप दिया, अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज किया। अब इसके दो कान बनाने, कान एक बनाऊंगा दूसरा कॉपी कर दूंगा, लेकिन कान किस तरह से बनेगा इसके कुछ तरीके होते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सी किया कॉपी और कंट्रोल एफ किया, और सॉरी कंट्रोल एफ नहीं कंट्रोल बी किया, क्यों, मैं चारों पीछे की तरफ ये चला गया, कंट्रोल बी किया ये पीछे की तरफ चला गया और इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा घुमा दिया, चले थोड़ा सा इधर कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने बाहर की तरफ यहां पर मैं रखने के बाद, अच्छा इसके अंदर मैं अगर कोई कलर इंसर्ट करना चाहूं तो मैं ग्रेडिएंट कलर इसके फेस के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। मैं ग्रेडिएंट कलर यहां से मैं, क्यों यहां पर कलर अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये फोरग्राउंड कलर है और ये इसका स्ट्रोक का कलर है, लाइनिंग का कलर है। मैं इस पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई ग्रेडिएंट अप्लाई करना चाहूं तो यहाँ पर ग्रेडिएंट दो तरह के होते हैं, एक रेडियल सर्कुलर होता है, एक लीनियर होता है। मैं फिलहाल सर्कुलर ही अप्लाई करूंगा इसके अंदर, और सर्कुलर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अगर बीच में अगर मैं कोई कलर, ये वही है फोटोशॉप की तरह ही है, इस पर क्लिक करूंगा मैं अगर कोई फेस अप्लाई करना चाहूं तो ग्रीन ही यही सही है। ओके मैं इसके बीच में मैं कुछ और भी अप्लाई कर देता हूं, मैं शेड हो गया थोड़ा सा, मैं इसको अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूं तो okay. इसके अलावा हाँ एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ग्रेश टाइप का कर देता हूं मैं, यस ग्रेश टाइप का ज्यादा सही रहता है, ये ग्रेश टाइप का मैंने इसको शेड दे दिया। अब इसे कान पीछे की तरफ है, कान पीछे की तरफ है, इस पे भी ग्रेडिएंट अप्लाई करूंगा,
कान इस तरह नहीं, तो सिंपल एक कान है, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी लेयर्स होती हैं। तो इस पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ मैं, तो यहाँ से लीनियर की तरफ जाऊंगा, तो लीनियर ग्रेडियंट इस पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं, और इस पे कलर में डाल देता हूँ मैं डार्क कलर, डार्क ब्लैक। हल्का सा डार्क ब्लैक कलर मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ मैं, या फिर इसको व्हाइट करता हूँ और इसको मैं डार्क ब्लैक करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। चलिए इसके ऊपर, या फिर मैं सिंपल ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, सिंपल ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ मैं, एक और डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं हम लोग। मैंने व्हाइट कलर से एक डिफरेंट ग्रेडियंट मैंने अप्लाई कर दिया, इस पर ब्लैक कर दिया, इस पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया। यस, ये मैंने अप्लाई किया, ये कान मेरे सामने नजर आ रही है। इसी के ऊपर मैं एक और कान बनाता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। एफ क्यों? ये इस कान के ऊपर मुझे एक और ताकि इसका इसका शेप मुख्तलिफ कर देता हूँ। इसको उठा के यहां रखता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ मैं, शेप उल्टा नजर आएगा आपको, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं चलें एक 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 छोटा सा, मैं इसके अगर बॉर्डर को मैं हटा दूं तो क्या अच्छा लग रहा है ये? यस, अच्छा लग रहा है ये। उसके बॉर्डर को मैंने हटा दिया, जिसका स्ट्रोक था मैंने उसको खत्म कर दिया। इसी के अंदर अगर मैं इसी को मैं चलें कॉपी करता हूं मैं, इसी को मैं ग्रुप कर देता हूं मैं, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और इसके अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं, और इस जगह जाके मैं इसको लगा देता हूँ। हाँ, इसका अनग्रुप पर कंट्रोल जी होता है, कंट्रोल शिफ्ट यू जी होता है या कंट्रोल जी होता है, देख लीजिएगा इसमें मौजूद होगा वो। ये आपके सामने शेड्स आ गए दो आपके सामने, ठीक है। अब इस पे तीसरी चीज हम जो बनाने की कोशिश करेंगे, आंखें, आंखों के लिए आंखें एग्जैक्ट सर्कल नहीं होती, वर्टिकली थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्कल मैंने बनाया, इसको बाद में छोटा भी कर लेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा सा मैंने वर्टिकल टूल से मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। यस, वर्टिकली थोड़ा सा ये स्ट्रेच होता ही है। फिलहाल बाद में इसका मैं साइज छोटा कर दूंगा मैं, अभी तो फिलहाल एक काम करूंगी, इसके बाद इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर हम अप्लाई क्या करते हैं, अगर आंखों के अंदर देखा जाए तो इस पे जो अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है आपका ग्रेडियंट, चलें लीनियर ग्रेडियंट मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं। क्लिक किया ब्लैक, इधर क्लिक किया व्हाइट, थोड़ा सा अगर मुझे ब्लैक कलर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इस पर क्लिक करूंगा ब्लैक करूंगा मैं, इधर भी क्लिक करूंगा ब्लैक करूंगा मैं, और इसके बाद में इससे खेलना शुरू कर दूंगा ताकि ये फिलहाल अभी इस सब इसके अंदर ही मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, इसी के अंदर किया मैंने, और इसके अंदर जाके मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया, हल्का इसका साइज छोटा किया, और इसको मैंने व्हाइट कर दिया। यस, इसको मैं हटा दूंगा मैं, या फिर इधर सिंगल कलर कर दूंगा मैं व्हाइट, क्योंकि आंखों के जो इर्द गिर्द होता है वो बेसिकली थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं शेडेड टाइप होती है। यस, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसी के अंदर मैं एक सर्कल लगाता हूं और वो सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं मैं। इस सर्कल को मैंने बनाया। यस, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, चलें हम लोग रेडियल ग्रेडियंट से खेलते हैं उसमें, चलें ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट बना। ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि हर दफा एक ही चीज अप्लाई करें, ये आपके जहन में आता रहता है कि क्या चीज अप्लाई होनी चाहिए क्या चीज अप्लाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैंने अभी ग्रेडियंट को डिटेल में नहीं पढ़ाया अब तक, मैं अब जाता हूँ रेडियल ग्रेडियंट पे, और यहां जाके मैं क्या करता हूँ इसको व्हाइट कर देता हूँ। रेडियल ग्रेडियंट मुझे पढ़ाना अभी बाकी है, इसका मैं शेड थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, और इसको यहां जाता हूँ मैं ब्लैक, और इसको उठा के मैं थोड़ा सा इसी के अंदर मैं काम करता हूं।
एक और सर्कल लगाता हूँ मैं, बहुत छोटा सा होगा सर्कल, और उसी के अंदर, या फिर एक और काम करता हूँ मैं, ये भी काम अच्छा है कि मैं अगर जो इसके मैंने ब्लैक कलर की जो नीचे का पुतलियां रखी हैं ब्लैक, इसको ब्लैक नहीं करता मैं, इसको स्काई ब्लू कर देता हूँ मर्दी में, और इसको भी मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ। यस, परफेक्ट लग रही है, यानी इसके ऊपर एक अच्छा शेड, अच्छा अच्छा लुक आ रहा है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि किसी भी आंख पे कोई शेड पड़ता है तो बबल, यानी आपको व्हाइट कलर के शेड नजर आते हैं। अगर मैं उसको शेड्स बनाना चाहूं मैं, तो मैं काम करता हूं, मेरे आइडिया आया कि मैं अगर उसके छोटे छोटे शेड्स बना दूं यहां पर, और छोटे छोटे होंगे लेकिन दिखने में अच्छे लगेंगे नो डाउट। मैं इसको सॉलिड कलर करता हूं व्हाइट में, एक शेड मैं इसको जूम इन कर देता हूं थोड़ा सा, बहुत इसमें मुझे काम करना है तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, इसका शेड थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यस, इसी को कॉपी करता हूं, कंट्रोल एफ करता हूं, कहीं और रखता हूं मैं, और इसका साइज थोड़ा छोटा, क्योंकि शेड एक जैसे नहीं होते, छोटे बड़े भी होते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यहां जाके कंट्रोल माइनस, कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है शेड्स पे क्या होने पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन तमाम चीजों को सिलेक्ट करता हूं, दिस 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 दिस, शिफ्ट प्रेस करके सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल जी करता हूं, और उसके बाद का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, एक रह गया। ओके, मेरे ख्याल से कुछ एक चीज रह गई पीछे, नहीं बेसिकली, हाँ ये मैंने इसको क्लिक नहीं किया था, इसको भी क्लिक कंट्रोल जी, अब इसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें, एक आंख बनके तैयार हो गया आपके। इसी चीज को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और फ्लिप होती है, यानी मैं राइट क्लिक करके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता हूँ, रिफ्लेक्ट कर देता हूँ मैं, ताकि इसी का रिफ्लेक्ट हो जाए, और मैं क्या कहता हूँ मैं 1980 यानी माइनस कर देता हूँ 90 डिग्री पे, सॉरी रिफ्लेक्ट होगा 90 डिग्री पे, माइनस 90, ताकि इसका ऑपोजिट हो जाए, और इसको उठा के मैं दूसरी तरफ, ठीक है। ये थोड़ी सी मेहनत की और उसके बाद हमने यहां तक हमने इस चीज को डिजाइन कर दिया। उसके बाद अब तो बचा ही नहीं कुछ भी, नोज बनानी है, नोज एक्सेक्ट नहीं होती, थोड़ी सी दबी भी होनी चाहिए डायरेक्ट सिलेक्शन से, और इसको मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, यहां रखा मैंने, और इसको मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कलर में ब्लैक, या फिर हाँ एक कलर बड़ा अच्छा लगेगा इसमें जो हम अप्लाई करते हैं रेडियल ग्रेडियंट, अगर मैं अप्लाई करूं रेडियल रेडियल में, अगर मैं सब चीजें हटा दूं, इसको भी हटा दूं, अब इसमें इसका माउथ डिजाइन करना है। माउथ डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेन टूल का वैसे नॉर्मली सहारा लेते हैं हम लोग, क्लिक स्ट्रेट क्लिक, और हल्का सा बेंड दिया मैंने, अंदर की चीज खत्म करना है तो इसको हटा दीजिएगा, और जो नीचे वाली लाइन आ रही है इसको भी खत्म कर दीजिएगा, वरना अजीब सा बन जाएगा ये। मैं फिलहाल इस पर क्लिक करके कंट्रोल जी किया, इस पर क्लिक करके इसको मैंने डिजाइन किया,
अच्छा हमने इस मिस्टेक ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसके जो दूसरा लेयर है इसको खत्म नहीं किया हमने, यहाँ से हमने इसको डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कलर डाल देते हैं, चले फिल पे जाके एक कलर डाल देते हैं रेड कलर। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा अगर मैं ग्रेडियंट से खेलना चाहूँ मैं, तो कौन सा ग्रेडियंट, यानी रेडियल अगर मैं खेलना चाहूँ तो रेडियल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यस रेडियल में अगर चले रेड कलर डाल देता हूँ मैं, यहाँ से रेड कलर डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा अगर डिज़ाइन को सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं आप ये। तो फिलहाल आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करना था वो यही था कि किस तरीके से हम किसी भी शेप को डिज़ाइन करके हम इसको एक काम करते हैं, सेलेक्ट किया कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप कर दिया, और कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर दिया, यानी बैक पे हमने डाल दिया इसकी डिज़ाइनिंग, और इसको उठा के थोड़ा सा इसको हमने इस पूरे का हमने कलर क्या रख दिया, ग्रीन ग्रे कलर रख दिया। ये पूरे का मेरे ख्याल से पूरा डिजाइन हटा के मैं सारा करके शेड गिरता, चले शेड को हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई है, कोई सवाल, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप कर सकते हैं ये, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो थी बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर पे थी, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और फिर दो चीज़ें हमें डिजाइन करनी थी, एक डिजाइनिंग को देखना था, बेसिक बेसिक टूल को यूज करते हुए जो आज की क्लास में होगा। आइंदा क्लास में इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक को हम टच करेंगे और उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे किस तरह से उन चीज़ों पर काम होता है। थैंक यू।